हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और अमेजिंग वीडियो में। और गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं कि गाइस, जो हमें बेंटेन क्लासिक का ओमनीट्रिक्स देखने को मिला था जिसमें सिर्फ 10 ही एलियंस होते हैं, यानी कि हमारा प्राइम बेन जो कि क्लासिक में हमें दिखाया गया था, उसमें क्या और एलियंस ऐड थे जैसे कि एको एको, ह्यूमंगस और स्वॉर्म फायर? क्या ये एलियंस पहले से ओमनीट्रिक्स में थे, बाद में हमें एलियन फोर्स में दिखाया गया है? तो गाइस, क्या इन सब का डीएनए पहले वाले ओमनीट्रिक्स में था? आप लोगों के भी मन में ये सवाल कभी ना कभी आया ही होगा। तो गाइस, वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहना, मैं गाइस इस क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब हमें जब बेंटेन क्लासिक दिखाया गया था तो उसमें सिर्फ हमें यही बताया गया था कि बेन के पास 10 एलियंस थे। बाद में अगर हमें ये पता चला कि बेन जो है वह न्यू एलियन को भी स्कैन कर सकता है, उसके अलावा हमें बेन वुल्फ भी देखने को मिला था जो कि बेन का एक न्यू एलियन था। इसके अलावा डॉक्टर विक्टर भी हमें देखने को मिला था। इसके अलावा गाइस, हमें कैनन बोल भी देखने को मिला था बेन के न्यू एलियंस में। बेन को गाइस न्यू एलियंस तो मिले, पर क्या पहले से ओमनीट्रिक्स में कोई और एलियन का डीएनए था? तो गाइस हाँ, बिल्कुल था। गाइस, आप लोगों को ये बात सुन के थोड़ा सा हैरानी फील होगा। एको एको, ह्यूमंगस और एलियन एक्स या फिर जितने भी बड़े बड़े हमारे एलियंस हमें दिखाए गए हैं बेंटेन एलियन फोर्स या फिर अल्टीमेट एलियंस में, वह सब एलियन गाइस ओमनीट्रिक्स में पहले से था, पर वह सब लॉक्ड थे क्योंकि एजमत नहीं चाहता था कि एक छोटे से बच्चे के हाथ में इतने बड़े बड़े एलियंस का पावर जाए। इसीलिए गाइस सिर्फ 10 ही एलियंस एजमत ने दिया बेन को कि इन 10 एलियन से उसको स्टार्टिंग करना होगा और बेन धीरे धीरे खुद को समझ जाएगा कि उसको पूरे के पूरे यूनिवर्स की रक्षा करना है। तो उसको गाइस बाद में न्यू एलियंस मिलते रहेंगे। बेन को समय के साथ न्यू एलियंस ओमनीट्रिक्स प्रोवाइड करती रहेगी। इस तरह से गाइस, हमें कैनन बोल को भी इंट्रोड्यूस कराया गया था जब वह एक बड़ा सा कीड़ा जो है वह अर्थ को खाने आ गया था। तो गाइस, ओमनीट्रिक्स को यह बात पता था कि कोई भी एलियन नहीं रोक सकता है इस कीड़े को, तो वहां पर ओमनीट्रिक्स देता है बेन को कैनन बोल। तो गाइस, समय के साथ बेन को जो एलियन चाहिए वो गाइस ओमनीट्रिक्स उसको प्रोवाइड करती है, क्योंकि ओमनीट्रिक्स में एक इंटेलिजेंट करके फीचर होता है जिससे गाइस वो जान जाता है कि आगे जलकर क्या होने वाला है, या गाइस एजमत जो है वो लॉक्ड कर देते हैं उस एलियंस को ताकि बेन जो है वो उतने बड़े बड़े एलियंस का पावर यूज ना कर पाए, जैसे कि एलियन एक्स हो गया। एलियन एक्स का तो गाइस डीएनए एजमत ने डाला ही होगा क्योंकि वो सबसे पावरफुल एलियन है। पर गाइस, यहां पर अगर बेंटेन क्लासिक में अगर एलियन एक्स को इंट्रोड्यूस करा जाता तो गाइस बेन जो है वो उतना कुछ समझता नहीं था उस टाइम, तो वहां पर गाइस वो एलियन एक्स का पावर गलत तरीके से यूज करता। पर गाइस, कुल मिला के मैंने आपको ये बात क्लियर कर दिया कि जो हमारे एलियंस है लाइक सुवम फायर, ह्यूमंगस और एको एको, फोर आर्म्स, रैथ जैसे एलियंस, वो गाइस बेंटेन क्लासिक के ओमनीट्रिक्स में था, पर वो सब लॉग्ड थे और ओमनीट्रिक्स वो एलियन तभी प्रोवाइड करती जब बेन को वह सब एलियंस का जरूरत पड़ता। पर आगे चलकर हमें बेंटेन एलियन फोर्स में यह सब दिखाया गया ताकि ये एलियंस बाद में अनलॉक हो जाते हैं, 10 न्यू एलियन मिलते हैं बेन को और पुराने जो एलियंस है वो बाद में मिलता है जब एजमत जो है वो बेन का ओमनीट्रिक्स का मास्टर कंट्रोल अनलॉक कर देता है। तो गाइस, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।